गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरा ब्लॉग नहीं, आज मेरा वीडियो है जो आप लोग के साथ मैं इधर दो तीन दिन सोच रही थी शेयर करूँगी बट टाइम नहीं मिल रहा था। तो आप लोग ने कल का वीडियो देखा कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा जो सुंदरकांड वहाँ पे हो रहा था, गाना हवन भजन भजन हो रहा था। सबसे अच्छी थी वहाँ पर दादी का जो गाना था, वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। जिस तरीके से उन्होंने गा रही थी, उनके अंदर जो जोश जज्बा थी, वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। तो आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके अंदर भी एनर्जी आ जाएगी उन्हें देखकर। तो बट अभी आज मेरा वीडियो स्टार्ट होता है। अभी आज मैं आप लोग को दिखाती हूँ पूरा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से। और आज का वीडियो प्लीज़ थोड़ा भी पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक तो करिएगा, थोड़ा तक 100 पार कर दीजिएगा तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल मेरे अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो भी हमारे डायरेक्ट देखते हैं नए हमारे व्यूवर्स, तो वो हमें सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो अपनी फैमिली फ्रेंड हो सब में शेयर कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो मैं बातें करूँगी करती रहूँगी। तो मैंने क्या क्या शॉपिंग किया, कैसे शॉपिंग किया ननद की विदाई के लिए, अभी आई ही और फिर उनकी विदाई की तैयारी भी हो गई। तो चलिए, परिवार सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, कैसे कैसे क्या क्या लिया गया सारी विदाई, क्योंकि उनका उनकी बेबी हुई थी। तो बेबी का जो हम लोग में होता है साइज देखा जाता है कि जब बेबी आने का मायके में लाने के लिए साइज बनती है, तो उस साइज के अकॉर्डिंग आई हैं। तो जब साइज बनती है तो उसमें सारे चीज़ मैंने दिया जाता है बेबी को, और मैं बेबी को बेबी के माँ को भी। तो सारी शॉपिंग होगी, फैमिली में भी सबको दिया जाए, फैमिली के लिए भी पहली बार जो होता है तो फैमिली के लिए भी होता है, फैमिली को भी देना है। तो सारी शॉपिंग हो गई है, सारी तैयारी हो गई। चलिए, बहुत ज़्यादा बात है, दो मिनट बातें हो गई थी, आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या है। तो स्टार्टिंग पहले करती हूँ कपड़े से, बेबी के कपड़े से पहले स्टार्टिंग करती हूँ। ठीक, पहले जो बच्चे के कपड़े हैं तो ये सारे मैं पैकेट से निकाल दी हूँ, निकाल के मैं यहाँ रख ली हूँ। इसलिए रख ली हूँ कि बार बार पैकेट से निकाली ना आवाज़ होते हैं, तो इसीलिए मैं पैकेट से इसे निकाल के रखी हूँ। तो फर्स्ट ये जो है, ये टी शर्ट है, ये जो कि थोड़ा सा मौसम बारिश वगैरह हो रहा है तो उसके हिसाब से देखते हुए इसको लिया गया। इस पर एक जीन्स पैंट है, ये है, तो एक ये हो गया। और दूसरा फिर हुआ एक ये हाफ इतना, ये देखिए, इसके साथ ये ब्लैक पैंट इस तरीके से है। तभी बेबी 1 ईयर कंप्लीट कर चुकी है तो ओल्ड हो रही है। तो दूसरा ये है, एक ये मैरून ऐसे ही शर्ट है इस तरीके से, क्योंकि इस पर येलो पैंट था तो इसे ये वेस्ट टी शर्ट है, अच्छा लग रहा था तो एक है। तो तीन हो गए ऐसे। और सबसे प्यारा मुझे क्या लगा, ये फ्रॉक इतना प्यारा मुझे लगा कि मैं उनके ले ली। अभी जो कि 1 ईयर से ओल्ड हैं, बाकी ऐसे नहीं, तो इतने छोटे। और इसमें दो अभी जिससे कि इसे आप, इसलिए मैं डोरी वाली भी देख के दी कि उनको बांधना है वैसे कि अगर चक्कर होगा तो ये भी हो जाएगा। तो कैसा लगा ये फ्रॉक आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा, बट आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हो गया। और एक ये इस तरीके से गर्मी, ये रहती हैं गुजरात, तो गुजरात रहती हैं तो वहाँ पर गर्मी ठंडी सारी चीज़ बहुत ऐसे में कोई ज़्यादा नहीं रहता, तो ये भी है फ्रॉक ही है। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था तेली। और एक ऐसे टी शर्ट ये है ग्रीन, क्योंकि सावन है, सावन में हरा भी देना ज़रूरी है, तो ग्रीन हरा। मैं सारे चीज़ को केयर करते हुए सारे चीज़ किए गए। और ये येलो कलर का टॉप है, ये टॉप क्या, ये बच्चों की मिडी है, ये बच्चों की जो मिडी होती है ना उस अकॉर्डिंग मिडी है, तो इसे नीचे अंदर पैंटी पहनते हैं। तो ये है, अभी तो 1 ईयर से ही कंप्लीट की हैं। और फिर एक फुटी शर्ट, इसे भी लोअर वाला पैंट है, ये देखिए। तो ये सब सारे उनके बेबी के हो गए। तो एक साइड मैं बेबी का कपड़ा हटाती हूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको बेबी का सूट जो बहुत ही प्यारा था। ये डिब्बे में, इसमें क्योंकि आवाज़ नहीं होता तो ये डिब्बे में ही था इस तरीके से, नहीं तो उसमें कपड़े वाले में ना आवाज़ होती है ना। ये देखिए, यहाँ इसके हिसाब से यहाँ चैन भी है, ये देखिए,
दिए, प्यारा सा सूज उनके लिए, बेबी के लिए। आई होप आप लोग कैसा लगा, हमें तो बहुत प्यारा लगा, इसे दिखाएगा। और चलिए अब चलती हूँ, इनका हो गया और उनका क्या है मेहनत का। अभी तो उन्हें साड़ी एक विदाई के लिए रखी गई, बट आजकल साड़ी सभी लोग समझिए नहीं पहन रहे, सारे लोग सूट ही पहनते हैं। बट एक जो होता है सुबह करना है, तो अभी वो अपनी सूट वगैरह नहीं ली है, लेना है तो ले लेंगी, उसको भी मैं दिखा दूंगी अगर होगा तो। लेकिन बट अभी यहाँ पे चलिए साड़ी एक उनकी जो पहन के विदाई करने वाली, कहाँ पे रखती। अच्छा हाँ, ये उनकी विदाई वाली है जिसका ब्लाउज अभी दिया गया है सही करने को, सिलने उलने को। तो ये इसका अभी इसमें वो लगवाना है, फॉल नहीं लगा है। आप लोग देखिए, और बहुत ही शार्प, बहुत ही अच्छे कपड़े हैं इसके। ये वर्क भी इसके चल, वर्क जो होते हैं ना तार वाले, वो वाले चीज़ें हैं। तो ये उनकी विदाई को उनके लिए है साड़ी, उनको ये कलर ज़्यादा पसंद आ रहा था, बोली ये मैरून में है और मैरून अच्छा लग रहा था, मैरून गोल्डन, ये कलर भी है प्रिंट में सभी में। तो ये प्रिंट नहीं है, ये कढ़ाई है धागे की, वर्क हुए हैं। तो ये उनकी विदाई हो गई। तो चलिए अब ये माँ बेटी का हो गया कंप्लीट, तो उन लोग का ख़त्म हुआ। अभी उनका सूट उठे, एक ही उनका नहीं रहेगा, उनका भी तीन चार पांच सूट भी लेंगी, प्लाजो के साथ ले, जो भी लेना हो तो वो इनके अकॉर्डिंग, इसलिए मैं उसे दिखाना भी नहीं समझती, और मैं बस बच्चों का विदाई का दिखा रही हूँ। तो चलिए अब दिखाती हूँ इधर ये साड़ी, ये पैकेट में था तो इसे मैं अलग दिखा ही दे रही हूँ। ये देखिए, और इस समय सावन चला, सावन के समय तो ग्रीन बहुत ही प्यारा है। ये देखिए साड़ी, अभी प्राइस भी नहीं हटा है, प्राइस भी हटाना ही है। तो ये साड़ी दूसरी वाली भी सेम इसी के अकॉर्डिंग है, बस थोड़ा सा चेंज है। ये देखिए, ये भी रेड मैरून है, रेड मैरून है, जैसे एकदम डार्क मैरून जो होता है वो वाला नहीं है, रेड मैरून है। ये हो गई दो, और चलिए अब पूरा ये दिखा देती हूँ आप लोग को। ये देखिए बड़ा वाला जो है, अब मैं इसमें से एक एक बाई करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा झूला है, और मैं एक बाई एक करके दिखाती हूँ आप लोग को। ये फर्स्ट साड़ी है जो ग्रीन कलर है, और ग्रीन कलर थोड़ा सा सावन के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं पूरी पैकेज नहीं खोलूँगी, इसलिए पैकेट नहीं खोलूँगी कि आप लोग समझ सकते हैं विदाई के लिए देना है, सब घर वालों के लिए है, तो यहाँ पे खोलना अच्छा भी नहीं लगता है, हम लोग फिर उस अकॉर्डिंग फोल्ड भी नहीं कर पाते हैं ना। तो ये फर्स्ट हो गया, नहीं दो पहले हुआ था, ये थर्ड है, ये फोर, ये येलो में है, येलो गोल्डन। तो ये है, ग्रीन भी है, अच्छा लग रहा है। ये भी साड़ी बहुत सॉफ्ट वाली, ये कपड़े हैं अच्छे हैं। ये हो गया, चलिए पांचवा, ये है छठवा, सारे मैं इसी अकॉर्डिंग ही कट करके दूंगी। ये भी उसी कपड़े में जो येलो वाला था उसी अकॉर्डिंग है, बहुत ही प्यारा कलर इसमें भी रेड में है। ये रेड है, देखने से ऐसे मैरून लग रहा है बट है रेड, और बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। बॉर्डर बहुत ही मुलायम, क्योंकि बॉर्डर देखिए भारी भरकम वाले बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए ये है। और चलिए लास्ट चलता है ये सारे, ये भी हैं इसके भी, ये भी रेड में ही हैं, रेड थोड़ा प्रिंटेड इससे अलग है, इस तरीके से मैं दिखा दे रही हूँ उसको, नहीं तो लगेगा एक ही नहीं की है, तो इसका प्रिंट थोड़ा सा अलग है। ये देखिए, ये सारे का पेटीकोट सारा लगवा ही दी थी। तो ये सब सारी, ढेर सारी शॉपिंग की गई है के लिए। और चलिए और दूसरी नज़र बच्चों का और क्या है जो बेबी है उसकी विदाई के लिए, और भी क्या है जो मेन चीज़ होता है वो आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, और क्या विदाई में है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ये है
पायल जो लड़कियों के लिए काफ़ी छोटे होते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पायल। दूसरा है कड़ा, तीसरा है दिखाती हूँ ये गोल्ड इज ओल्ड, और सुचेस ये चैन है। इस महंगाई में इतना बड़ा 50,000 गोल्ड चल रहा तो ये है चैन उनके लिए, आप लोग देख ही लिए, उनकी बेबी के लिए है, ये सब बेबी के लिए है, सारी चीज़ बेबी के लिए हैं, ये और ये। तो चलिए अभी मैं पूरी अच्छे तरीके से दिखा देती हूँ और भी, तो आप लोग देखिए क्या क्या कितना सामान सब देने के लिए तैयारियां चल रही हैं। अभी आई भी नहीं कि तब तक जाने की तैयारियां हो रही हैं, आए अभी 15-20 दिन हुआ ही है कि अब उनको जाना भी, क्योंकि जब आजकल के या तो मैं आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी किसी के पास समय नहीं है, सब लोग अपने फैमिली के साथ हैं तो किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि समय इंसान को बहुत कम है, जो करना है उसी में करना, फैमिली के जो बाहर लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, जो फैमिली में रहते हैं उनके लिए उतनी नहीं हो पाती, लेकिन जो अकेले रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फिर बाहर खाना रहना ये सब होते रहते हैं हवी लोग को, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन होता है। अभी तो मैं सोच रही थी 2 महीना रुकें और अच्छे से रहें, बट उनको भी जल्दी क्योंकि उनके हवी अब जॉब कर दें तो बाहर खाना खाना, शाम को सोचे कोई बना खाने वाला बहुत सिस्टम, सुबह में तो चल जाता है लेकिन शाम को दिक्कत है, इसलिए वो रुकना भी नहीं चाह रही हैं। और हम ये आए अपने मायके जाते तो नहीं रुकते हैं, चिंता घर की लगी रहती, टेंशन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो चलिए अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे और ये सब सारी सामान अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और एक अच्छे से ब्लॉग मैं शेयर करूँगी कल के लिए, तो आई होप आप लोग को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा बहुत सपोर्ट करिए, आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है प्लीज़। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।